नमस्कार दोस्तों, मैंने नोटिस किया हूँ कि आप लोगों को भूतिया अस्पतालों की कहानी सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिससे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। ये कहानी लगभग 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा मेरे कस्बे में बनाए हुए एक अस्पताल का है। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान भी है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतहा अस्पताल कहते हैं। आज से लगभग 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा इस अस्पताल में भटकती रहती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान इस रास्ते से होकर नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान किया करता है। उसी अस्पताल के सामने करण नाम का एक लड़का रहता था। वह इन बताई पुरानी भूतहा कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात करण अपने बाइक पर घूम रहा था। घूमते घूमते वह वही अस्पताल वाले रास्ते से जाने को सोचा। उस समय रात के करीब 10 बज चुके थे। करण रास्ते से निकल पड़ा था। जैसे ही वे उस रास्ते से निकल रहा था तो रास्ते में रेत होने के कारण उसकी गाड़ी फिसल गई और करण वहीं पर धड़ाम से नीचे गिर गया। वो तो भला हो कि उनको चोटें नहीं आई। करण ने सोचा, उसका बैलेंस तो बिल्कुल बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गया। करण इस घटना से थोड़ा सा भयभीत हो गया, लेकिन वो डरा नहीं। फिर से करण अपने बाइक को उठाया और जैसे ही 1 किलोमीटर चला ही था कि उसका टायर अचानक पंचर हो गया। इस पर गाड़ी तेज होने के कारण करण दूर जाकर गिरा, जिससे करण के घुटनों पर थोड़ा सा चोट आई। अब करण को आभास होने लगा कि इस जगह पर कोई न कोई गड़बड़ है। करण को लगा कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन करण अपने मन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और अपने बाइक को उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। वो थोड़ी ही दूर चला था कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज उन्हें सुनाई दी। ये सुनकर करण वहीं पर रुक गया, लेकिन करण को लगा कि ये कोई जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट आगे चलने के बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार तो करण थोड़ा सा डरने लगा। करण ने वहीं से वापस चलने को सोचा, लेकिन वो रास्ते के बीच में आ गया था। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी था। करण ने पीछे न चलकर आगे जाने को ही सोचा। थोड़ा आगे चलने पर बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को औरत को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। करण डर के मारे पीछे मुड़ने को सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। तभी करण ने पूछा, इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो। बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की ही रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार ही मेरा एक गांव है। करण ने उस बुढ़िया की सारी बातें मान ली और आगे निकल पड़े। रास्ते में बुढ़िया करण से सारी बातें पूछने लगी। वे दोनों आपस में बातें करते करते काफी दूर पहुंच चुके थे। तभी करण बोलता है, लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब देखकर करण बहुत ही डर गया। करण तुरंत वहाँ से अपने बाइक को धक्का मारते हुए भागने लगा। भागते भागते करण ठोकर खाकर गिर गया और उसे जोर से और एक चीखे सुनाई दी। ये सब घटित होते हुए लगभग 12 बज चुके थे। करण पसीने से तर बतर हो चुका था। करण दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गया, क्योंकि अगर करण बिना बाइक के घर जाता तो उसे जूते पड़ते, इसलिए वह पूरा रात मंदिर में ही रुक गया और सुबह होते ही बाइक लेकर घर चला आया।